लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अब कांग्रेस भाजपा के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप सवाल जवाब की राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में कुल्लू कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्वेतराम आजाद ने पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के सवालों के जवाब में कहा कि कुल्लू जिला में कांग्रेस सरकार में दर्जनों बड़े विकास कार्य हुए हैं, जिसमें रोहतांग टनल का शिलान्यास जून 2010 में कांग्रेस पार्टी की उस वक्त की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था। उस वक्त प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल थे। वहीं उन्होंने कहा कि इसके अलावा और से लुहरी नेशनल हाईवे 305 स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के दिन है। कुल्लू जिला मुख्यालय में 3 करोड़ रूपये से देव सदन और 25 करोड़ रूपये अटल सदन का निर्माण भी कांग्रेस सरकार के देन है। इसके अलावा भी कांग्रेस सरकार ने कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। वहीं उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह ठाकुर बताए कि ब्यास नदी के तटीकरण के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से कितनी बार आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला की जनता सब जानती है कि जनता के लिए विकास किसने किया है। वहीं उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र को मॉडल संसदीय क्षेत्र बनाने की बात रखी है। विक्रमादित्य सिंह जो कहते हैं वो करते हैं और ऐसे में आने वाले समय में मंडी को स्मार्ट संसदीय क्षेत्र बनाने के लिए वे पूरा योगदान देंगे। मैं पूर्व मंत्री जी को बताना चाहता हूं, जो उनके मनाली क्षेत्र में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टनल रोहतांग टनल, जिसका कम से कम 250 करोड़ के करीब जो इसकी कीमत है, इसका जो शिलान्यास है यूपीए गवर्नमेंट में 2010 में, जब वीरभद्र सिंह जी माननीय केंद्रीय मंत्री थे, उस वक्त जून 2010 में इसका शिलान्यास हुआ और उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट में माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। लगभग 1400 करोड़ जो है इसका बजट उस वक्त था और जून 2010 से 14 तक 3 साल के पीरियड में इसका कम से कम 75% कार्य हो चुका था। और उस वक्त के 2010 में जब इसका शिलान्यास हुआ तो प्रेम कुमार धूमल जी माननीय मुख्यमंत्री थे। ये नॉलेज गोविंद ठाकुर जी को होना चाहिए। और उसके बाद कीर्तपुर से मनाली तक जो 4 लेन की बात है, 2700 करोड़ की जो राशि मंजूर हुई है, उस वक्त भी राव साहब केंद्रीय मंत्री थे। आज ये जो कार्य हो रहा है ये उस वक्त की प्रपोजल है। और उसके बाद ये जो NH 305 है लूरी से और तक, ये राव साहब की देन है। और कुल्लू हेडक्वार्टर में देव सदन बना 3 करोड़ का, ये राव साहब की देन है। आज जितने भी कार्यक्रम होते हैं, इवन गोविंद ठाकुर जी ने बहुत से कार्यक्रम किए हैं, ये उनके टाइम में बना। और लगभग 24-25 करोड़ का जो अटल सदन है, ये भी राव साहब के टाइम में इसकी सेंक्शन हुई थी, काम हुआ था। बेशक इसका उद्घाटन जो है इनकी सरकार ने किया। और उसके अलावा मंडी शहर का 88 करोड़ की पेयजल योजना, कुल्लू शहर की 23 करोड़ की पेयजल योजना और मनाली शहर की पेयजल योजना 15 करोड़ की, ये इसका शिलान्यास भी राव साहब के टाइम में हुआ और इसका विधिवत उद्घाटन भी सुचारू रूप से इसके उनके टाइम में चली है। और जहां तक ये बोलते स्मार्ट सिटी, विक्रमादित्य जी को आप कह रहे हैं, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। उनके पिताजी ने, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने, उनकी मदर ने, या 14 महीने में हमारी सरकार ने, जो 14 महीने में आर्थिक तंगी के बावजूद अपने सीमित साधनों से हिमाचल प्रदेश के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप में एक सराहनीय है। और हमें विश्वास है कि विक्रमादित्य जी दिन प्रतिदिन हर कंस्टिट्यूंसी में बर्थ बनाए रखे हैं। हमें विश्वास है जिला कुल्लू की 4 कंस्टिट्यूंसी में, कल बहुत बढ़िया कार्यक्रम था बंजार में, 7 तारीख को आनी में होगा और कुल्लू में होगा, मनाली कंस्टिट्यूंसी का भी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और विक्रमादित्य जी इस कार्यक्रम को करेंगे। इस वक्त 17 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में विक्रमादित्य जी जहां भी जाते हैं वहां लोगों का भरपूर उन्हें सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। हम अच्छे लीड से जीतेंगे